चाहे कुछ भी करके हमको एनआरआई बनना है, बन के रहेंगे। वो देखो चुनमुन चौबे चंपी करवा रहा है। पापा कसम, चुनमुन चौबे चंपी करा के कितना हैंडसम लग रहा है ना। अच्छा भैया, अमेरिका ले जाने को कह दिया तो चुनमुन चौबे चिंपैंजी से हैंडसम हो गया। अबे यार गुड्डू देखो, ऐसा है वक्त पड़ने पे गधे को बाप बनाना पड़ता है, हम तो चिंपैंजी को चुनमुन चौबे बना रहे हैं। अबे खुश करना पड़ता है गुरु। नो 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 दिस टाइप, चंपी ऐसे नहीं करते हैं। तो आप ही बता दीजिए ना कैसे करते हैं। ओके अबे गुड्डू, ये चुनमुन चौबे चिंपैंजी बन गया है और चिंपैंजी चुनमुन चौबे बन गया, ये कैसे हो गया बे? अरे हाँ भैया, आओ चलो चूजे को देखें। अबे ए, चूजे शर्म नहीं आती है नाराय, चुनमुन भैया से मालिश कराते हो, तुमको उल्टी करनी चाहिए। अरे अबे चल जाओ चाटी क्या, आइए हम आपकी मालिश करते हैं। तुमको आता है? अरे आई नो। ओके चंपी ऐसे नहीं होती है। अच्छा तो आप ही बता दीजिए कैसे होती है। वाह चुनमुन भैया, पापा कसम क्या चंपी करते हैं आप। अच्छा चुनमुन भैया एक बात बताइए, अमेरिका में आप लॉन्ड्री मैन है या चंपी मैन? नो चंपी मैन, अमेरिका में मैन पावर का बड़ा शॉर्टेज है, सारा काम अपने आप खुद करना पड़ता है। Who is this? कौन है यो? भैया का हो जाए तो इनका भी कर दीजिए, बहुत देर से लाइन लगा के खड़े हैं। Oh my God, हड़ी हड़ी, मैं यहाँ चंपी करने आया था, करवाने के लिए। देखिए चुनमुन भैया, आप एनआरआई हैं, आप अमेरिका से हैं, आप ज्यादा बेटर जानते हैं। I'm going, boss. अरे 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 चुनमुन भैया, अरे सुन तो लीजिए, अब तुम हमको पहनते देखो, जाके पकड़ो, पकड़ा चला जाएगा। भैया सुनिए ना, भैया देखिए नाराज ना होइए, देखिए हम तो आपसे ये पूछने आए थे कि अब आगे का स्टेप क्या है एनआरआई बनने के लिए। स्टेप 2 लाख रुपीस, 2 लाख का इंतजाम करो बस। अरे सुनिए तो, 2 लाख रुपए कहाँ से लेके आएंगे, ऐसा मत कीजिए। देखिए चुनमुन भैया, आप तुम्हारे भाई जैसे, आपको भाई हेल्प करनी पड़ेगी तो गुड्डू पैर पड़ गए, हमारे नहीं इससे पड़ रहे। चुनमुन भैया बस आप हमको अमेरिका ले चलिए, हम अपने पापा कसम खा के कहते हैं, सुरीली कसम खा के कहते हैं, गुड्डू कसम खा के कहते हैं, बजरंगबली कसम खा के कहते हैं, अपनी साइकिल कसम खा के कहते हैं कि हम आपकी पाई पाई लौटा देंगे बड़े भाई। ओके ओके, बट वीजा वगैरह के लिए 25,000 का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। 25,000 फाइनल प्लस। अरे सुन तो लीजिए भैया, अरे चुनमुन भैया सुन तो लीजिए, 25,000 का कहां से लेके आएंगे? क्या सोच रहे हो भैया? अब यार गुड्डू, हमें लगता है कि हम एनआरआई नहीं बन पाएंगे। ऐसा मत सोचो भैया, आप कुछ भी कर सकते हो, अपनी शक्ति को पहचानो भैया, आप हनुमान जी की तरह हो, जब तक आपको शक्ति याद न दिलाए आपको शक्ति आती नहीं। अबे तो याद दिलाओ ना गुड्डू। भैया याद करो, जब आपने सोचा था तो आपने वो कबड्डी जीती थी। भैया याद करो, जब आपने ठाना था तो आपने वो साइकिल रेस जीती थी। भैया याद करो, जब आपने ठान लिया था तो मां की ऐसी की तैसी कर दी थी। याद आ गया गुरु? अरे वाह भैया, हम अपनी पापा की स्कूटर बेच देंगे। क्या दिन पापा की आप कसम खाते हो, पापा कसम, उन्हीं पापा की आप स्कूटर बेच दोगे तो पापा चलाएंगे क्या? अबे गुड्डू कैसी बातें कर रहे हो गुरु, देखो ऐसा है, हम अमेरिका एनआरआई बनने जा रहे हैं ना, साइकिल थोड़ी ना लेके जाएंगे, अबे पापा साइकिल चलाएंगे और जब हम खूब सारे डॉलर कमा लेंगे तो एक पापा को कार खरीद के दिला देंगे। वाह भैया वाह, बेटा हो तो आप जैसा। ठीक है तो फिर चलो आओ स्कूटर बेचते हैं, साइकिल को स्टैंड से निकालो गुरु। चलिए चलो मिश्री। अरे लो वाह,
आ गए हैं? हैं? बड़ी देर लगा दी हैं? अरे का बताएं, बाजार से स्टेशन चले गए थे। कहाँ? अरे टिकट कटाने के लिए। अभी अभी तो आए हो, कहाँ जा रहे हो? अब कहा बताएं, रिश्तेदारी में एक तो शादी है फरुखाबाद में, तो टिकट नहीं मिला। स्कूटर पे चले जाना। हमारे पास स्कूटर कहाँ है? बिजी पांडे के पास है। बिजी 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 पांडे। सुनो सुनो सुनो, ये देखो आ गया है। एक जरूरी सूचना, ये स्कूटर हमारे पूज्य बाप का है, बड़ा लल्लन टाप का, जिसको भी लगे उसके नाप का आके ले जाए। ओनली रुपीज 25,000 का। आओ आओ आओ, सेल सेल सेल, आओ आओ। क्या बिजी पांडे, तुम अपने पापा का स्कूटर बेच रहे हो? जी, कभी कभी कुछ लोग अपने पापा का स्कूटर भी बेचते हैं। हमें पता है, ए बीजी पांडे अपने पापा का स्कूटर चुरा के लेके आया है। आप तो चुप ही रहिए, पापा का हम एक बार एनआरआई बन जाएंगे ना, तो आगे हमको तिलक लगाएंगी और हमारे ईचे पीछे घूमेंगी, समझी कि नहीं? अरे भैया आ जाओ, ले जाओ। पर तुम स्कूटर क्यों बेच रहे हैंगे? वो इसलिए कि 25,000 में हम एनआरआई बन जाएंगे। पापा खत्म 35,000 की स्कूटर है, हम इसको ओनली 25,000 में बेच रहे। गुरु किसको चाहिए, आगे ले जाओ। आओ आजा भाई, आ जाओ। बीजी पांडे है? तुम अपने पापा को बता के नहीं लाए हो ना ये स्कूटर? बता के लाते तो लाने थोड़ी ना देते। मतलब तुम ये स्कूटर चुरा के लाए हो? जी, कुछ लोग चुरा के भी लाते हैं। लापता गंज में नहीं चुराते हैं, शर्म नहीं आई तुमको? आज तक तुम अपने पापा की जेब से पैसे चुराते थे, आज स्कूटर चुरा ला। लानत है तुम जैसे औलाद पर। हम समझते थे कि तुम बेकार हो, बेरोजगार हो, पर चोरी? शर्म नहीं आई तुमको ये करते हुए? शर्म आती है? आती है, शर्म आती है। जब सारा दिन आवारा गर्दी करके घर जाते हैं और हराम की रोटी खाते हैं ना, तो शर्म आती है। हमारे उम्र के लौंडे जब काम धंधे पे जाते हैं तब शर्म आती है। जब ये मौसी और मामा सबके बीच में हमको धुतकारते हैं ना, तब शर्म आती है। और जब ये लापता गंज के लोग हम जैसे फ्री आदमी को बिजी बिजी कह के बुलाते हैं, तो शर्म आती है। अगर हमारे शर्म नहीं आने पे आपको शर्म आती है ना, तो प्लीज एक छोटा सा उपकार कीजिए, हमको नौकरी दीजिए। और अगर पापा कसम हमको नौकरी नहीं दिला सकते ना, तो हमको अपना फ्यूचर खुद बनाने दीजिए। हम एनआरआई बनेंगे। गुड्डू, ये स्कूटर नीलाम करो और कल मसाज पार्लर पे पैसा लेके आ जाओ। वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू चुनमुन भाई। और एक बात बताए, एनआरआई बनने के लिए तुम कुछ भी कर सकते बड़े भाई। वो तो ठीक है, बट वेयर्स मनी, पैसा कहाँ है मैन? अब आ रहा होगा, गुड्डू रास्ते में है, बस पहुँच जाएगा। आ गए भैया, आ गए। ये रहा पैसा, लो लो जल्दी निकालो भाई। अच्छा बताओ, स्कूटर किसको बेची? भैया यू इट मैंगो, वाई काउंट गुटली? अच्छा गुरु, अमेरिका हम जा रहे हैं, अंग्रेजी तुम बोल रहे हो। सही है। बड़े भाई, ये आपके पैसे आ गए, बताइए अमेरिका कब चलना है?
अमेरिका जाने से पहले तुमको अमेरिकन कॉन्सुलेट में इंटरव्यू देना पड़ेगा। कौन सा लेट? अरे लेट नहीं, हमको सबसे ज्यादा जल्दी है। अबे बैगन के भरते अमेरिकन स्कूल में इंटरव्यू देना पड़ेगा। है? अबे गुड्डू, अमेरिका जाने के लिए इंटरव्यू देना पड़ेगा? तो क्या हुआ भैया, एडमिशन तो अमेरिका में हो रहा है ना, उसके लिए इंटरव्यू तो पास होना ही पड़ेगा। अबे लेकिन अमेरिका का स्कूल यहाँ लापतागंज में कहाँ है? अबे तुम जैसे कई लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, NRI बनना चाहते हैं, पर जा नहीं पाते हैं, इसलिए अमेरिका वालों ने गुमशुदागंज के पास अपना स्कूल खोल रखा है तुम जैसे लोगों को सुविधा देने के लिए। अच्छा सर, मे आई कम इन? यू ऑलरेडी इन? सच? ओबे बैठ जाओ। सर हम इंटरव्यू लेने आए, सॉरी देने आए। ओके शट अप, sit down, you stand up, turn around and get out. Sorry yaar, hum abhi aate hain, theek hai? Okay bhaiya, all the best. Thank you. Yes, so hum aapse kuch sawal puchhenge hindi mein aur aap unka jawab denge angrezi mein. Okay. Aapka naam kya hai? Biji Pandey. Angrezi mein batao. Very Biji Pandey. Very good. कहाँ रहते हैं आप? लापतागंज। अंग्रेजी में बताओ? मिसप्लेसगंज। अगर अमेरिका जाके अपनी फैमिली को वहाँ बुलाओगे अंग्रेजी में कैसे? सर पापा कसम ये तो बहुत इजी है, वहाँ जाके हम बोलेंगे कम यार। और इंडिया वापस भेजना होगा तो? ये भी बहुत इजी है, इंडिया वापस आ जाएंगे और यहाँ के कह देंगे कम यार। वेरी गुड, टेक। ओके, दूध को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मिल्क। और दही को? मिल्क स्लीपिंग इन नाइट, मॉर्निंग इज टाइट। वेरी गुड, टिक। सो मैन, यू आर सिलेक्टेड। क्या? बिजी 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 पांडे। अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू। अब देखो सुरीली, आई एम वेरी सॉरी, पापा कसम NRI बन रहे हैं ना, तो बिजी थे बहुत, लेकिन सीधे इंटरव्यू पास करके हम तुम्हारे पास चले आ रहे हैं। सुरीली कैसी बातें कर रही हो, हम तुमको कैसे भूल सकते हैं? पापा कसम जिस सूट में जाएंगे उसी सूट को पहन के वापस आएंगे। या का मतलब है जैसे जाएंगे वैसे ही वापस आएंगे, बदलेंगे नहीं। तो सुरीली, अबे जलेबी देना यार। सुरीली ये देखो तुम्हारे लिए, जलेबी लाल को स्पेशली उठा के बनाई तुम्हारे लिए। नहीं चाहिए तुम्हारी 2 करोड़ की जलेबी, लेकिन चलो विदेश जा रहे हो ना, वो वहाँ से वो लाओगे, क्या कहते हैं उसे? अरे हम बताते हैं पॉन्ड्स और डॉलर। हाँ वही, उसी की खाएंगे जलेबी। जाओ वहाँ को, यहाँ से आगे, यहाँ से चल लो, कहाँ देख रहे हैं, चल लो चल लो। अरे यार जलेबी तुम ही खा लो गुरु। अबे गुड्डू, चुनमुन भैया ने क्या कहा था, कल रात में जाएंगे? हाँ भैया। अबे यार गुड्डू, ये रात कैसे कटेगी? सोचो भैया कल का दिन कैसे कटेगा। भैया आप अमेरिका जाके हमको भूल तो नहीं जाओगे ना? अबे यार गुड्डू कैसी बातें कर रहे हो यार, पापा कसम हमको तुम्हारी बहुत याद आई गुरु। हमको भी आपकी बहुत याद आएगी भैया, आपके बिना यहाँ हम कैसे रह पाएंगे? बात बात पे हमको थप्पड़ कौन मारेगा भैया? मत जाओ भैया, प्लीज मत जाओ। हाँ भैया, हमारे समोसे तुम्हें बहुत याद आएंगे। बीजी भैया मत जाओ, क्या रखा है विदेश में? अबे यार कैसी बातें कर रहे हो, यहाँ क्या रखा है और क्या मिला हमको? ये कीचड़, ये टूटी फूटी सड़कें, गड्ढे गटर। अबे वहाँ पे नल है लेकिन पानी नहीं है, यहाँ पे खंबा है लेकिन बिजली नहीं है, ना नौकरी ना छोकरी। अबे यार यहाँ पे जीरो है और हमको सिर्फ जीरो ही मिला है। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई,
तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा। यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया, भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। बिजी पांडे, एक चीज का ध्यान रखना, देश तो आगे बढ़ता ही जाएगा, तुम यहां रहो चाहे ना रहो। मुकुंदी बाबू, कुछ लोग तो यही सोचते हैं कि देश ने उनको कुछ नहीं दिया। वो एक बार भी नहीं सोचते हैं कि उन्होंने देश को क्या दिया। ये दिया है, देश को विदेश ने ये दिया। पहचानिए, क्या इसको किसी ने देखा? अबे, ये तो चुनमुन भैया है। अरे सर, ये तो खुद यहाँ आने वाले थे, फोटो कहाँ है भेज दिए, खुद कहाँ है? इसी को तो हम ढूंढ रहे हैं। क्यों, ये खो गए हैंगे? अरे खोते तो पिताजी थे। खोया नहीं है, फरार है। ये अमेरिका से बुश की बुशर्ट, किल्टन का कोट और मोनिका का मफलर लेके भाग गया। क्या, यानी हमारे 25,000 रुपए लेके फरार है? हाँ बिजी पांडे, भूल जा तुम्हारे 25,000। अरे नहीं मिश्री, लापता गंज का लौंडा है, वो यहाँ के लोगों को धोखा नहीं देगा। हाँ बात कर। सही कहा आपने कछुए चाचा, चाहता बहुत तक की गद्दारी करने पर कर नहीं पाए। कोशिश बहुत की कि पैसे लेके भाग जाए, लेकिन अमेरिका से भागकर यहाँ लापता गंज में आए थे, यहाँ से भागकर कहाँ जाएंगे? क्या हम एनआरआई नहीं बन पाएंगे? क्या मिलता है एनआरआई बनकर? सेकंड सिटीजन का दर्जा? ए विराकी, ए इंडियन, ये कहकर हमको बुलाते हैं। सब कुछ मिलता है हमको, लेकिन नहीं मिलता तो अपनापन। और यहाँ मिस्टर चुनमुन, चुनमुन भैया, चुनमुन सर, आपको पता है कि एनआरआई का मतलब क्या होता है? क्या? ना इधर के ना उधर के। चुनमुन भैया प्लीज, आप रोइए मत, पापा कसम आपने हमारी आंखें खोल दी हैं। देखिए, अब हम देश के मांगने से पहले देश को देंगे, लेकिन क्या आप हमारे हमें 25,000 रुपए देंगे? चलिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको बुश का बुशर्ट, क्लिंटन का कोट और मोहनका का मफलर देता हूँ। बस एक मिनट चाचा। गुड्डू, हमारे पापा की स्कूटर किसको बेची थी? ये 25,000 रुपए लो, उससे स्कूटर वापस लेके आओ। भैया, लापतागंज वाले सब मिलकर आपका स्कूटर खरीदे थे। क्या? कछुआ चाचा ने 3,000, मौसी 2,000, मुकुंदी भैया 5,000 और मामा 100 रुपया और सुरीली भाभी ने पूरे 500 रुपए दिए थे भैया। सुरीली तुम भी? पापा कसम सुरीली, तुम्हारा ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ये तुम्हारे 500 रुपए जो है हमारे लिए $50,000, अरे $50,000 पाउंड्स। पापा कसम। चुप कर,
सिर्फ सुरीली ने पैसा दिया है का? हम सब ने दिया है। देंगे? देखो तो इसका मतलब ये है कि आप सब मिलके हमको लापतागंज से बाहर निकालने वाले थे। नहीं बेटा, हम सब मिलकर तुमको जीवन जीने का मौका देना चाह रहे थे बस। आओ कछुआ चाचा। देखा बत्ती से निकालो सबका पैर छुओ बेटा। विदेश लोग जाते हैं और जाते रहेंगे, पर दुख इस बात का है कि जो शिक्षा और संस्कार इस देश से मिला उससे हमारा देश ही वंचित रह जाता है। ये तो वही बात हुई कि पेड़ लगाया, सींचा हमने और फल खाया पड़ोसी ने।